बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी सब मेरा आखिर क्वेश्चन था 2002-2003 आई थिंक, मेरे को नहीं पता, मैं छोटा था जब कसौटी जिंदगी की बोल के एक सीरियल आती थी स्टार प्लस में। उस सीरियल में बार 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 ये बताया गया है बालकनी में जैसे ठहरो जैसे सितारा तारा जो आसमान में तारा टूट के गिरता, तो जब कुछ भी दुआ मांगो, विश लाइक विश दुआ मन्नत जो भी हो, तू जैसी टूटता गिरता रहता माना जैसी मांगते तो दुआ कबूल कबूल होती बोल के हमारे गए बाहर में भी वो ट्रेंड है और हमारे मोमिन भाई में भी मुसलमानों में भी ये समझते। इसके से तुम्हें क्या तुम्हें बोलना क्या है, ये किधर सही है गलत है? अल्हम्दुलिल्लाह कफर सलाम समझ गया कि बाकी الذين استفعوا ما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم ربي حبلي من الصالحين। जैसा कि हमारे भाई साहब ने सवाल किया कि आसमान से कोई तारा टूटता है जी, अब कोई बालकनी में खड़ा है मर्द या औरत जी, अब वो तारा टूटे उस वक्त कोई दुआ करे जी तो दुआ कबूल होती है क्या? जी 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 सवाल माशाल्लाह बहुत बेहतरीन सवाल। मैं भी देखूँ बहुत जन दुआ करे हमारे फैमिली में से जो मेंबर्स भी, तो ऐसा कुछ नहीं जी, और आदमी भी इसका जिक्र नहीं हदीस में। हाँ तारा टूटता है जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तारा जो टूटता हम देखते हैं ना, वो शैतानों को एक तो भगाने का मार भगाने का, क्योंकि शैतान क्या करते हैं एक दूसरे के ऊपर चढ़े रहते कंधे पर जी, जी। चोरियां करते आसमान से बातें चुराने की कोशिश करते हैं, तो शहाब साकिब जिसको बोलते हैं वो तारा टूटता वो तारा फेंक के मारा जाता उसको जी जी जी, तो उसको दुआ करने का जिक्र नहीं है, क्या भी करने की कुछ जरूरत नहीं है जी, बस देखना शैतान को मारने का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक आइटम बम की तरह छोड़ा जा रहा है जी जी अल्लाह की तरफ से जी माशाल्लाह, तो इस पे दुआ करने की जरूरत नहीं है। दुआ को आपको कबूलियत के दर्जे वक्त मालूम है जी जी, एक तो सुबह का वक्त है फर्ज नमाज के बाद है जी, और सहरी के वक्त यानी जब फजर से पहले का वक्त होता है उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला आखिरी आसमान पे आता है जी जी, आखिर लास्ट आसमान पे है ना, पहला आसमान है जिस पे आ जाता है। अब अल्लाह ताला क्या कहता है, है कोई दुआ मांगे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, यहाँ अल्लाह का नबी खुद फरमाया हदीस में अल्लाह ताला खुद कहता है, तो उस वक्त दुआ करने से दुआ कबूल होती है ना, कि वो सितारा जो टूट रहा है जो तारा टूट रहा है वो शैतानों को मारने का जो है आला, तो उस वक्त दुआ नहीं करने की जरूरत है ना। अब कौन भी किसी को बच्चा नहीं हो रहा है औलाद नहीं हो रही आदमी परेशान होता है तो क्या सोचा तारा टूट रहा ना, अब वो तारा टूटने को दुआ करता है दुआ कबूल हो जाएगी या भीड़ रखता है वेट करते रहते तारा टूटता दुआ करेंगे तारा टूटता मन्नत मांगी करने वाले को भी देखे मैं। हाँ तो मन्नत मांगने इससे गलत है जी जी, ये जो है शिर्क का अकीदा, अल्लाह अकबर, इससे परहेज करना चाहिए मुसलमानों को, दुआ कबूल करने वाला अल्लाह ताला है जी, तो इसलिए हमें चाहिए कि ये सब जो गलत बातें हैं ये सब नहीं रखना चाहिए। कबूलियत के जो औकात हैं फजर के वक्त है, सहरी के वक्त है जी, इसी तरह जो है शाम के वक्त है, फर्ज नमाज के बाद है, जुमा के दिन खुसूसी जिक्र किया गया दुआ करो दुआ कबूल होती है माशाल्लाह, तो इसलिए हमें उस वक्त दुआ करनी चाहिए ना कि सितारा टूटे उस वक्त दुआ करनी चाहिए, तो इसलिए हमें इस बात से बचना चाहिए, अपने आप को बचाना चाहिए, अपने फैमिली मेंबर्स को रिश्तेदार को बचाना चाहिए और समझाना चाहिए कि इस्लाम ऐसा दर्स नहीं देता है, जो कबूलियत के जो है वक्त बताएंगे उसमें करना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए, शुक्रिया।